सनम के दावते ईद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इन दोनों ने ही अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ईद का मौका है भाई, ऐसे में मेहमान घर पे ना आए और धूम ना मचाए तो मजा कैसे आएगा। ईद के बहाने एक ही छत के नीचे ढेर सारे सितारे आ गए हैं। ईद के अलावा यहाँ इश्क का जश्न भी मन रहा है। जरा देखिए आहिल और सनम को साथ साथ देखिए। एक दूजे से इश्क होना हो, नचते बहुत इश्क है, गाना बजते ही दोनों झूमने लगते हैं और फिर ईद का मौका जो है वैसे आज आहिल के साथ साथ सनम भी कहर ढा रही है इस रॉयल ब्लू अनारकली सूट में। इट्स अ ब्यूटीफुल अनारकली यार, और इसके साथ में गोल्डन बॉटम है और ये रेड दुपट्टा। बालों को मैंने फुल टोंग वोंग कर लिया है, इयररिंग्स पहन लिए हैं बड़े-बड़े। प्लीज मेंशन। ओह यस हाँ, और मुझे आज इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं अपने हेयर स्टाइल की वजह से कि ये जो मैंने सेंटर पार्टिंग किया है बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने भी जब देखा बहुत अच्छा लग रहा था। प्लीज लेट मी टेल यू गाइस, ये हेयर स्टाइल का आइडिया मुझे केवी ने दिया था। आई मीन केवी ने बोला प्लीज सुरभि एक बार मेरे कहने पे ट्राई कर। अब ज्यादा मत बोलो बस। नो सीरियसली, पांव छू लो बस। ईद के मेहमानों की लिस्ट में बुलबुल और इन जनाब ने भी अपना नाम लिखवा लिया है। एक दूसरे को ढेर सारा टशन देते ये दोनों इश्क का जश्न मना रहे हैं। जश्न इश्क का फुल ऑन टशन, एक्चुअली सॉन्ग में भी टशन है, जहाँ पे बुलबुल पूरब को और पूरब बुलबुल का टशन दिखाएंगे। लाइक द ऑफिस डेज। यस यस यस, एंड हाउ आई मिस दोस डेज यार। बट फाइनली इट्स गुड, दिस सॉन्ग गोज विद अस आल्सो, इट डजंट गो विद अस एक्चुअली, वी हम इश्क का जश्न शो में तो नहीं मना रहे पर हम यहां मना सकते। बट ऐसे मौके भी आने चाहिए, लाइक ईद, जैसे कि रमजान गोइंग ऑन, सो ईद पार्टी पे हमें बुलाया है, सो वी आर सो हैप्पी। एंड शरारा पहन के बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज पंजाबी शो एंड दिस इज कम्प्लीटली समथिंग डिफरेंट, लाइक यू नो वेयरिंग शरारा, यू नो। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, बच्चों ने तो यहाँ कमाल दिखाया ही, पापा मम्मी लोग भी कुछ कम नहीं। बेटा पूरा का पूरा खानदान, ये पक्का बनारस से है मम्मी पापा, वो जो आई मीन ये बोलो लोग सो नाइस, नो आई मीन मम्मा को मैंने पहली बार में मम्मा को ऐसे देख रहा हूं एंड शी इज लुकिंग वेरी नाइस। तुम लोगों की वजह से ही हमारा ये हाल हुआ है क्योंकि तुम लोगों ने हमें चैलेंज किया ना कि हम तुम्हारी तरह डांस नहीं कर सकते। हां हमने चैलेंज तो किया था कि मम्मी आप रेडी वेडी तो हो जाएंगी लेकिन हम लोगों की तरह डांस नहीं कर पाऊंगी, बट मम्मा को ऐसे देख के अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है सीरियसली। नहीं बट पापा आपको क्या हो गया, आई मीन जो दयाल जी शो में ऐसे रचना ये मत करो, रचना वो मत करो, रचना तो मतलब लेके से आई, और पापा आज ऐसे, आई मीन परिवार के बुजुर्गों ने भी ठुमके लगाए और अपना एक अलग ही अंदाज पेश किया।
कुछ ईद का रंग चढ़ा है और कुछ आप लोगों के मिलने की खुशी है, जिससे हमने ये कॉस्ट्यूम आज अडॉप्ट की है। कोरियोग्राफर ने बता दिया, मैं कोशिश की है, बाकी हम साज बहु साजिश के लोगों से उनका रिएक्शन पूछेंगे कि कैसा लगा, और मैं आपका एपिसोड देखता हूँ और जरूर देखूंगा। एक तरफ रचना के मम्मी पापा 60s के हीरो हीरोइन लग रहे थे, तो दूसरी तरफ ताऊजी और कमला माँ का तो आज अंदाज देखने लायक है। कमला माँ कहीं खो गई है, क्योंकि हम दावत ईद की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ऑल द ओल्ड द मदर्स आर जनरली ट्राइंग टू बी यंग एंड प्रूव टू द बच्चर्स दैट हम बूढ़े हैं तो क्या हुआ, हम फिर भी जवान गानों पे नाच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ईद में इन लोगों का ही डांस होने वाला है? ना जी ना, कपल डांस भी होगा, जो हम आप सबको दिखाना तो चाहते थे, लेकिन कोई है जो हमें रोक रहा है और इसी वजह से हम आप सबके सामने वो डांस परफॉर्मेंसेस पेश नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत की थी जनाब, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानना ही नहीं चाहते। ईद का ये जश्न फिलहाल तो थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है, अब देखते हैं कि कौन कौन से सितारे आकर इसे और मीठा करते हैं। ABP News Report.